हाई एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई डोंट नो व्हाई जब भी मैं यूट्यूब की वीडियो शूट करती हूँ ना, उस दिन जिम में मेरा बैक बाइसेप्स डे ही क्यों होता है। आई डोंट नो आपने कितना नोटिस किया है, बट ऐसा होता है। सो आई एम डन विद माई वर्कआउट और यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा पोस्ट वर्कआउट रूटीन, जो मेजरली मेरी हेल्थ, स्किन और हेयर से रिलेटेड होता है। जिम मैं मोस्टली मॉर्निंग में ही जाती हूँ और वर्कआउट के बाद अगर मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं ज़्यादातर स्ट्रेचिंग मशीन पर ही करती हूँ। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में देखा होगा, बट आज टाइम है तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से स्ट्रेचिंग की जाए। आज बैक डे था तो मेजरली मैं फोकस कर रही हूँ अपनी बैक पे। कुछ आसनास और स्ट्रेचेस है जो हेल्पफुल होते हैं आपकी बैक के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कैट एंड काउ पोज, स्पाइनल ट्विस्ट पोज, भुजंगासन, धनुरासन, डाउनवर्ड डॉग, फॉरवर्ड बेंड। अगर आपको बैक पेन का इशू है तो ये आसनास और स्ट्रेचेस आपको हेल्प करेंगे पेन को रिड्यूस करने में और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और बैलेंस भी लाएंगे। वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी में, बॉडी की रिकवरी में। मसल्स जो वर्कआउट के बाद टाइट हो जाती है ना, वो प्रोन होती है इंजरी के, तो स्ट्रेचिंग इंजरी होने से बचाता है, मसल टेंशन को डिक्रीज करता है एंड इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू आवर मसल्स, जो हमें वर्कआउट के बाद जल्दी हील होने में मदद करता है। स्ट्रेचिंग होने के बाद मैं गई चेंजिंग रूम, वहाँ से बैग उठाया, शूज़ चेंज किए और बाहर से ये हुडी डाल दिया। मैं हमेशा कवर करने के लिए कुछ ना कुछ रखती हूँ ताकि मैं सन से प्रोटेक्टेड रहूँ। वैसे तो मैं जिम में ही हैंड वॉश कर देती हूँ, बट घर आकर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉज आई ट्रैवल बाय स्कूटी एंड इधर उधर कभी लिफ्ट में कहीं ना कहीं हाथ लगते ही हैं, तो इट्स बेटर टू डबल क्लेंस। एंड उसके बाद मैं क्लेंजिंग मिल्क से फेस को क्लीन करूँगी। अभी इमिडिएट शावर नहीं लूँगी, तब तक आई विल प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। अभी मैं सिर्फ एग्स बॉयल करने के लिए रखूँगी। तो जब तक एग्स बॉयल होते हैं, आई एम टू प्रिपेयर अ क्विक हेयर मास्क, सो लेट्स गो। तो आज के मास्क के लिए आई एम गोइंग टू कट फ्रेश एलोवेरा लीव्स। मैंने ये एलोवेरा प्लांट कुछ टाइम पहले ही लिया था। आप चाहे तो पैक्ड एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अच्छे से वॉश करूँगी एंड जेल को मैं एक बोल में निकाल लूँगी। इसको निकालना थोड़ा सा मेसी हो सकता है, बट नेचुरल सोर्स हमेशा ही अच्छे होते हैं। एंड एलोवेरा में होता है विटामिन ए, सी एंड ई, जो स्किन और हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एंड 2 स्पून ऑफ हनी। इसको अच्छे से मिला लूंगी और ये एक जेल फॉर्म सा बन जाएगा। एंड नाउ कम्स इट्स एप्लीकेशन। वेट, ये मास्क सिर्फ हेयर के लिए नहीं, फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। इट एक्ट एज अ नेचुरल एक्सफोलिएटर, क्योंकि इसमें है एलोवेरा जेल, एप्पल साइडर विनेगर और हनी, जो फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा। तो मैं इसे ऐसे कॉटन में ले लूंगी एंड पूरे फेस पे आराम से डैप करूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट एज अ हेयर मास्क। एलोवेरा हेल्प करता है इची स्कैल्प को काम करने में, ट्रीट करता है डैंड्रफ, ड्राई डैमेज बालों को स्ट्रेंथन और रिपेयर करता है, डीप क्लेंस करता है एंड इट हेल्प्स इन सीलिंग द मॉइस्चर इन अ हेयर। और जो इसमें हनी है वो हमारे बालों को मॉइस्चराइज, सॉफ्ट, डिटैंगल और स्मूथ बनाता है। एप्पल साइडर विनेगर में होती है क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज, जो एक्सेस बिल्डअप को रिमूव करता है, स्कैल्प को क्लियर करता है, हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करता है, डैंड्रफ ट्रीट करता है, ये हमारे बालों के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है, रिजल्टिंग इन हेल्दियर, स्मूदर एंड शाइनियर हेयर। एप्पल साइडर विनेगर को डायरेक्टली स्कैल्प या फेस पे नहीं लगाना चाहिए, हमेशा इसे डाइल्यूट करके ही यूज़ करें। मैं इसे 15 टू 20 मिनट्स रखूंगी, टिल देन आई विल टेक अ शावर। आप चाहो तो इसे 30 टू 60 मिनट भी रख सकते हैं। आई प्रेफर हॉट वाटर शावर, क्योंकि मैं ठंडा पानी टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ एंड गर्म पानी आपकी मसल को रिलीफ भी देता है आफ्टर अ वर्कआउट, तो मैं प्रेफर गर्म पानी ही करती हूँ। बट हाँ, हेयर वॉश के लिए मैं थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करती हूँ। हेयर वॉश मैं वीक में 2 बार ही करती हूँ एंड आई एम यूजिंग बी ब्लेंड हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, और शैम्पू को मैं पानी में डाइल्यूट करके ही यूज़ करती हूँ। इसमें बी प्रोटीन और अदर एसेंशियल मिनरल्स हैं, जो डैमेज बालों को रिपेयर करता है और कैरेटिन को रीबिल्ड करने में हेल्प करता है, और कैफीन आपके बालों को नरिश और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फ्रॉम द रूट्स। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर में लेंस और एंड्स में यूज़ करती हूँ और 2 टू 3 मिनट्स रखने के बाद वॉश करती हूँ। ये शैम्पू और कंडीशनर आपके हेयर फॉल को अप टू 93% रिड्यूस करता है और आपके बालों में शाइन ऐड करता है। सैलून लाइक शाइन प्रोवाइड करने के लिए एक्सपर्ट हेयर प्रोफेशनल के द्वारा डिजाइन किया गया है और ये सभी प्रोडक्ट्स SLS एंड पैराबेन फ्री है और सुटेबल है सभी हेयर टाइप्स के लिए। बी ब्लेंड इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड, और जब भी हम बी ब्लेंड से ऑर्डर करते हैं, वो आपके ऑर्डर को एक विमेन से लिंक कर देते हैं, जिसे वो संभव फाउंडेशन से मिलकर एम्पावर करते हैं।
Post shampoo and conditioner, I'm going to use this Bee Blunt Hair Fall Control Scalp Hair Tonic, which improves hair growth by over 60% in just 56 days. ये सभी प्रोडक्ट्स आपको Amazon, Flipkart एंड Nykaa पर मिल जाएंगे, पर अगर आप वेबसाइट से बाय करेंगे तो आप मेरा कूपन कोड GARIMA2023 भी अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज माई आफ्टर हेयर वॉश लुक एंड दिस इज हाउ माई हेयर वॉज लुकिंग स्ट्रॉन्गर एंड शाइनियर। ये वीडियो बात की है जहां मुझे एक ऑडिशन शूट करना था। Now comes the skincare. Starting with cleansing, फेस वॉश में किसी भी जेंटल क्लेंजर से हमेशा जिम से आने के बाद ही करती हूँ। फेस के लिए प्रेफर करें कि सेपरेट फेस टावल ही हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं वो बॉडी टावल के थ्रू हमारे फेस के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, जो कि हमारे फेस के लिए अच्छा नहीं है। एंड दिस कैन क्लॉग अप पोर्स, ब्रेकआउट हो सकते हैं, रैशेस, इचनेस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टोनिंग। टोनर से हमारे फेस का पीएच लेवल मेंटेन होता है, ओपन पोर्स मिनिमाइज होते हैं। एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज नायसिनामाइड सीरम। इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट एंड इट्स बीन 2 years आई एम यूजिंग दिस सीरम एंड आई एम इन लव विद इट। नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजिंग। आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। हमें सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे हम घर पर ही क्यों ना हो पूरे दिन। सो आई एम डन विद माई स्किन केयर एंड जैसे मैंने पहले भी बोला, मेरा पोस्ट वर्कआउट रूटीन 3 major steps को इंक्लूड करता है। फर्स्ट इज़ माई हेल्थ, सेकेंड इज़ माई हेयर केयर एंड थर्ड इज़ द बेसिक स्किन केयर विच आई गेस एवरीबडी फॉलोज। एंड ये दो चीज़ें तो हो गई, अब बात आती है हेल्थ पे। हेल्थ में मेरा इंक्लूड होता है मेरी डाइट, स्पेशली पोस्ट वर्कआउट में क्या खा रही हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पोस्ट वर्कआउट रूटीन में क्या क्या मील्स ऐड करें, उसमें कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन है, कितने हेल्दी फैट्स है और आपको कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए, वो तो मैंने आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन बताया ही है। और व्हाट आई ईट इन अ डे वो मैंने बताया ही है कि मैं किस तरीके से अपनी मील को स्केड्यूल करती हूँ। तो स्किन केयर हेयर केयर तो हो गया है, अब करते हैं एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल सैंडविच, ओट्स, बनाना मिल्कशेक और एग्स तो मैंने बॉईल करके रखे ही है। और अगर आप देख सकते हैं मैंने किचन में ना ऐसा एक वाइट बोर्ड लगा के रखा है एंड उसमें ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस लिखे हुए हैं। और ऐसा करने से ना मेरे लिए इजी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, वरना रोज सुबह उठकर मैं ना यही सोचती थी कि आज क्या बनाऊँ याद ही नहीं रहता था। एंड ये सारी मील्स ना बहुत ही हेल्दी है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, अगर आपको इनकी रेसिपीज जाननी होगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ वेजिटेबल सैंडविच। इसके लिए मैं कट करूँगी बहुत सारी वेजिटेबल्स। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं, छोटे बड़े डाइसेस जैसे भी आपको अच्छे लगे वो कट कर सकते हैं। मुझे ना सैंडविच में कॉर्न का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सैलड्स या सैंडविच में रॉ वेजिटेबल्स आपको ब्लोटिंग क्रिएट करता है तो वेजीज़ को सौते करके खाना ट्राई करें। रॉ वेजीज़ थोड़ी हैवी हो जाती है स्टमक के लिए, क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है जिसकी वजह से डाइजेशन में काफ़ी टाइम लगता है एंड ब्लोटिंग फील होती है। बट धीरे धीरे आपका स्टमक यूज्ड हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। सो जस्ट टू एड लिटिल टेस्ट मैं इसमें बटर डालूंगी एंड फिर सारी वेजिटेबल्स डालूंगी, एक चिली कट करके डालूंगी एंड ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगैनो। एंड 1 to 2 minutes में इसे सौते होने दूंगी एंड फिर मैं इसे बोल में निकालूंगी एंड उस पर मैं डालूंगी थोड़ी सी मेयोनीज। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर इसमें कुकुम्बर डालूंगी एंड इट्स रेडी। सेम पैन में थोड़ा सा बटर एंड फिर ब्रेड डालकर उस पर ये वेजीज डालूंगी एंड हेयर कम सम चीज। तो सैंडविच तो बन गया, अब मैं बनाऊंगी शेक। मैंने ना आज तक प्रोटीन शेक नहीं लिया है अपनी डाइट में, तो मैं ऐसे ही ओट्स, ड्राई फ्रूट, सीड्स, बनाना, पीनट बटर, मिल्क, इन सब से स्मूदी बना लेती हूँ, जिससे मुझे वर्कआउट के बाद अच्छी खासी कैलोरीज भी मिल जाती है और इससे मिलने वाला प्रोटीन और कार्ब्स भी मेरी बॉडी को हेल्प करता है रिकवर। वैसे आपको सच बताऊँ, मुझे ना प्रोटीन पाउडर से डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं आर्टिफिशियल चीज़ अपनी बॉडी में डाल रही हूँ, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हो गए तो, कुछ हो गया तो। I know, आप सब बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, इवन माई ब्रदर सजेस्ट टू एड प्रोटीन शेक्स इन माई डाइट, बट मैं अभी भी सोच विचार ही कर रही हूँ। एंड आई गेस आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे एग्री करते होंगे, जिन्हें मेरी तरह डर लगता होगा। बट लेट्स सी, थोड़ा और रिसर्च करूंगी एंड देन इफ द नीड अराइज देन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट प्रोटीन पाउडर्स, बट अभी के लिए आई लव दिस शेक। ये ग्लास मग ना मैंने 2 दिन पहले ही क्रॉफर्ड मार्केट से लिया एंड तब से आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। लुक एट इट्स कलर एंड डिज़ाइन। एंड जब से लिया है ना मैं तब से सब कुछ इसी में पी रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ भी न्यू लिया तो सबसे पहले उसी को यूज़ करना? मुझे बताना ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में।
शेक बन गया, एग्स पील हो गए एंड सैंडविच इज ऑल्सो रेडी एंड दिस इज माई पोस्ट वर्कआउट मील रिच इन कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। पोस्ट वर्कआउट मील मैं हैवी ही करती हूँ एंड हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ नए से नया बनाती रहूँ, वरना एक ही मील खाते खाते ना मैं खुद बोर हो जाती हूँ। और वैसे भी वर्कआउट के 30-60 मिनट के बीच में ही हमें अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ले लेनी चाहिए। इससे हमारी बॉडी जल्दी रिकवर होती है, मसल लॉस नहीं होता है और बॉडी ज़्यादा डिफाइन दिखती है। और वैसे भी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है ना आफ्टर वर्कआउट कि मुझे ऐसा लगता है कि बस अब तो कुछ ना कुछ खाना ही है। सो नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई मील। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा पोस्ट वर्कआउट रूटीन है एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपके रिव्यूज, आपके फीडबैक्स, मुझे आपके कॉमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। टिल देन डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोइंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।